subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक टू माई चैनल। से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहें। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ लेके आती रहती हूँ स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से। तो आज मैं एक और टिप लेके आई हूँ आपके लिए जो कि बहुत ही अफेक्टिव और बहुत ही ईजी है, और ये बालों के हवाले से। आजकल का मौसम ऐसा हो रहा है कि बाल हमारे रफ उड़े उड़े से रहते हैं, हमारे बालों में खुश्की होती है, और आजकल के लोग ज़्यादातर लोगों के बाल ब्लैक वाइट हो रहे हैं। तो मैं उसके लिए टिप लेके आई हूँ, इससे आपके बाल भी काले हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और आपके जो उड़े उड़े रफ से बाल होंगे, फ्रीजी हेयर्स होंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें इसके लिए आपको चाहिए होंगी, और ये बिल्कुल सिंपल सी टिप है। आपको सबसे पहले लेना है, ये मेरे पास है, ये आपको चाहिए सिर्फ 3 चम्मच कलौंजी। ये देखें, ये मेरे पास कलौंजी है पिसी हुई। आप कलौंजी बाज़ार से ले आएँ और ईज़िली आप उसको घर में ग्राइंड कर सकते हैं, उसको आप घर में ग्राइंड कर लीजिएगा। इसके आपको कलौंजी के लेने हैं 3 चमचे। ये देखें, हम 3 चमचे कलौंजी के ले रहे हैं। ये देखें, ये आपके बालों को काला करने के लिए, घना करने के लिए बहुत ही अच्छी है, और जो आपके बाल उतर रहे होंगे इससे आपके बाल उतरेंगे भी नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त मास्क है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आप एलोवेरा जेल के पत्ते से एलोवेरा निकालें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये एलोवेरा जेल आपको ईज़िली किसी भी शॉप से, या आप draaz.pk से, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इधर से मंगा सकते हैं, आपको ईज़िली घर बैठे बैठे भी अवेलेबल हो जाएगा। आपको इसके भी डालने हैं 3 चम्मच एलोवेरा के। ये देखें, आप इसके ऐड कर लें इसके अंदर 3 चम्मचे, क्योंकि हमें मास्क बनाना है इसका, तो इसको पेस्ट बनाने के लिए हमें एलोवेरा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और उसके बाद ही आपको चाहिए साथ साथ विटामिन ई के कैप्सूल्स 600 mg के। ये भी आपको बाज़ार से 50 रुपीज़ का पत्ता मिल जाता है, अगर आप चाहें तो draaz.pk से मंगा सकते हैं, आपको घर में बैठे बैठे ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। जी व्यूवर्स, ये देखें, मैं इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करूंगी, ये आपके बालों को गिरने से रोकेंगे, आपके बालों में शाइन लाएंगे, आपके बाल जो रफ़ हो रहे होंगे उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आपको इसको हफ्ते में 3 से 4 मरतबा अप्लाई करना है ताकि आपके बाल जो रफ़ हो रहे हैं वो अच्छे हो जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छा सीरम बनता है। अगर आप बाज़ार के कंडीशनर यूज़ करते हैं या कोई शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो इतना अच्छा अफेक्ट नहीं देंगे जितना अच्छा अफेक्ट इसका आएगा आपको। ये देखिए, हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, ये बहुत अच्छा थिक सा पेस्ट बन गया होगा। जी व्यूअर्स, आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन गया है, आप इसको सीरम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वीक में 2 to 3 times इसको अपने बालों में लगा के 3 से 4 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद आप इसको अपने बालों को 2 से 3 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। आप इसको, इससे आपके बाल इतने प्यारे हो जाएंगे, इससे आपके बाल बहुत प्यारे, और जो वाइट बाल आ रहे होंगे वो भी आपके ब्लैक हो जाएंगे। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करा करें दूसरे भी, ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू टिप्स, न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।